कोई तो इंसान आया और हमें बचाए। हाँ क्यों और क्या ना हो गया। पतला बड़ा लकड़ी ले लेते नहीं है, कुछ नहीं है बेचारे का पूरा वहाँ पे चमड़ी स्वेल्ड हो गया, अब 8 दिन से फंसा हुआ है। लग गया आंख में, आ जाओ। नदी को पार करना है, नमस्कार। जय हिंद दोस्तों, मैं अभी बिलासपुर से करीब 35 किलोमीटर दूर लाटा गांव, जो कि ये मनियारी नदी पे है, और दोस्तों हम अभी जहां पर खड़े हैं मनियारी नदी है, और अभी समय 4:30 बज रहा है। और सबसे बड़ी बात है, इतना दुखद घटना है कि ये बेजुबान यहां पर 2 पाइथन 8 दिन से फंसा हुआ है। ये ग्रामीण भैया है जो बता रहे हैं, और इन्हीं के जीजा जो कि यहाँ घूमने आए थे। आपका शुभ नाम भैया? संतोष पाटले। संतोष पाटले जी, इन्होंने देखा और हमारा YouTube से हमारे चैनल से नंबर निकाला और बताया कि भैया आ जाइए। मतलब ही दुनिया में इस आस में बैठे हैं कि शायद कोई तो इंसान आया और हमें बचाए। हाँ, क्योंकि ये इंसान की ही देन है। तो इसका चेहरा इसलिए फूल गया, फूल गया बेचारा, ये पूरा फंस गया ना यहाँ पर। तो देखो काटे गई वो। और अच्छा, 3 अजगर है? 2 है। ओहो, बोरी रखे हो भैया? बोरी तो ये बहुत ज्यादा इरिटेट है। ये इसका 8 दिन से यहाँ तड़प रहा है। आप बताओ ना, इसका गर्दन बहुत बुरी है। और सबसे बड़ी बात, ये तो अपने बचाव में मुझे काटेंगे। चलो, मैं मर रहा बेचारा। बुरी तरह से गर्दन फैला बेचारे फंसा हुआ है। अरे मेरे को डर लगता है पानी में, ये क्या ना हो गया। बहुत बुरी तरह से फंसा है बेचारा, फूल गया है, उसका गर्दन फूल गया है पूरा। हाँ, वो तो बचाव के लिए करेगा बेचारा। नहीं ठीक है, उसको फंसा के ना, जहाँ जाल फंसा है ताकि उसके शरीर ना कटे, ठीक है, उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। अब हम आ गए हैं, इसको पर्यावरण जंगल में छोड़ दें जहाँ इंसानी बस्ती ना हो, इंसान ना हो। ओ, उसको गर्दन पकड़ना पड़ेगा और एकदम को काटना पड़ेगा। कोई ना कोई क्या काटा रहे मेरे को? काटा कुछ नहीं है, वो वहां से ना वो गिर रहा है लकड़ी, फंसा फंसा के जाल को काटो जहाँ जा। गुड, चलो शाबाश, खून जम गया ना उसका, पूरा फूल गया बेचारा मुंह। हाँ, बहुत बुरी तरीके से है यार वो तो। पतला लकड़ी मंगा के काट लो, लकड़ी को फंसा ताकि उसका शरीर ना कटे। वो तो दूर है भैया। क्या खाती भाग? एक आज दो चार दिन हो जीती चे। बताओ, 8 दिन से छोड़ दिया गया है ना? वो करेगा, करेगा गंदा। वो बच्चा वो फंसा हुआ है, गर्दन तो करेगा ही भैया। उसको इरिटेशन सांस आने, सांस लेने दिक्कत जा रहा है उसको। हाओ 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 हाओ। चलो उधर छोड़ेंगे तो जाल फैला हुआ फिर फंसेगा वो। हाँ, मैं उसको दूसरी जगह छोड़ेंगे, यहाँ पर, यहाँ पर वहाँ थोड़ा सा एक एक जगह फंसा छुड़ाते जाओ। निकल गया ना। भगवान भोलेनाथ, हाँ अब काटो।
चलो आराम से आराम से। पतला बड़ा लकड़ी ले लेते हैं। पीछे तो आपको पूरा वो कर लिया है। इसका पूछ कहाँ है? हाँ ठीक है, चलेगा चलेगा चलेगा। लपेट ले भैया, बहुत बुरी तरह से फंसा है यार। बहुत ही आराम से, तो इसका शरीर नहीं कटना चाहिए। हिम्मत दिखा रहे हो भैया आप। इसको काटो, इधर का निकल गया मुंह का, है ना? अब ये अब ये इधर मैंने ये हिस्सा है, ये जो बचा है। मेरे को लग रहा है उसका निकल गया है। इधर से देखो, इस तरफ से देख लो। हाँ वो निकल गया, निकल गया ना था? सबसे वो चमड़ी वैसी फूल ही गई है, फूल गया बेचारे का। इधर पसा है लेकिन। तो ये एक नीचे का लास्ट का बाकी है ना, ये वाला एरी नीचे लास्ट का बाकी है अभी। बस गुड भैया, वीडियो बना सकते ना, फोटो दो। आराम से आराम से आराम से, इधर भी देख लो। ए लो आराम से आराम से, लकड़ी फंसा फंसा के इसको नुकसान नहीं होना चाहिए। निकल गया ना, एक दो बच्चा है देखो तो। हाँ उसको भी फंसा के काटो लकड़ी। आराम से खोलो उसको, ये पूरा खुल गया है ना। अब है एक आठ, रुक जा, नहीं ये कुछ नहीं है बेचारे का, पूरा वहाँ पे चमड़ी स्वेल। अब 8 दिन से फंसा हुआ है दोस्तों। ये सिर्फ इंसान का ही करतूत हो सकता है। इंसान पर्यावरण को जिस तरह से बर्बाद कर रहा है, जीव जंतु को सिर्फ बर्बाद कर रहा है। इंसान ये सोचता है कि सिर्फ हमें जीने का अधिकार है और दुनिया में हर चीज़ को, तो ये उसकी गलत धारणा है। या ऐसा सोच के अपना और अपने बाल बच्चों का विनाश कर रहा है। तो दोस्तों प्लीज़ जीव जंतु को बचाइए, पर्यावरण को बचाइए। छोड़ दिया गया था और ये भैया ने हमारे साथ अभी एफर्ट लगाया है और बहुत हेल्प किया है। तो चलिए अब दूसरे को भी निकालते हैं। दोबारा दो। बहुत ही ताकत है। अगर कोई इंसान इसे सोचेगा कि ये जहरीला नहीं है और इसे पकड़ के हीरोबाजी करेगा, स्टंट करेगा, तो डेफिनेटली उसकी मौत होगी। जल्दी इसको जंगल में छोड़ना है, नहीं तो बोरा फटा है, इसको बांधो। अब जा चलो, नहीं देखा था यार कैसे लपेटा था। ब्लेड किसके पास है? कहाँ रखो? आराम से उसको सभी कटेगा। गुड, इसको भी काटो, शाबाश। और लपेटने दो भैया, उसको जान बचना चाहिए। इसको काटो, ओ मुंह तो खोलेगा ही भैया, मैं पकड़ा हूँ ना। हाँ वो दांत नहीं निकाल सका। मछली यही धारा था क्या? नहीं, माहे दे रहे खाए पीछे। और हाँ मनेल कई दिन था उतरो जा। लो लो लो, चलो काटो काटो काटो। आठ दिन हो गया बोल रहा है। काटते जाओ, मैं इधर पकड़ के रखूँ नेट को। अब काटो अपने हिसाब से, आराम से आराम से। डरो मत भैया, इतना देर काम किया, ये देखो इधर।
ये लो क्या? मेरे पैर को लपेट कर रखे ना, मुंडे नहीं छोड़ूंगा। तो बात नहीं लाला पे दो। लग जा लग जा। लेन पर भर आने मार दे वो रात में। वही ला लिया। अरे छुड़ा भी इधर से। वही लाला। बस कर दिया। एक ये तो इसको काटो। इसमें ना दान बोरी मंगा जल्दी। अभी तक जय ही नहीं भगवान के साथ। देखना भी। सब एलम के बाहर आदमी आए। स्थाई निवासी तो है। निकले। थोड़ा बचा बस। चलो। हो गया? निकल गया? डन। हाँ। तो दोस्तों फाइनली दोनों सांप का रेस्क्यू हो गया। और सावधानी से गाड़ी चलाइए, धीरे से गाड़ी चलाइए। जिस तरह से आपके माँ बाप घर में इंतजार करते हैं, उस तरह से हर जीव जंतु को उनके माँ बाप भी इंतजार करते हैं, उनको भी तकलीफ होता है। तो प्लीज़ सेव एनिमल सेव नेचर। थैंक यू।